लो जी रोहतांग आ गए हैं और रोहतांग में उतरने के बाद क्या व्यूज है दिखा देते हैं। बर्फ है यहाँ पे और ऊपर तक बर्फ ही बर्फ पड़ी हुई है, काफी बर्फ है लेकिन सर्दी इतनी नहीं है। मैं सिर्फ एक टी शर्ट और एक ये बनियान में हूँ, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं पहना है। इतनी ज्यादा सर्दी नहीं है, बर्फ मेरे ख्याल से हाँ बर्फ शायद थोड़ी नरम ही है, ये अभी इतनी जमी हुई नहीं है। ये रही बर्फ जो है, खेल रहे हैं सभी यहाँ पर बर्फ पे। ये यहाँ से ड्रेस वगैरह अगर आपको किराए पे लेनी है उसके लिए कितना किराया लेते हो आप ड्रेस का, कितना आप किराया कितना लेते हो बताओ? 250 रुपए में जूते ड्रेस पूरा 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 ड्रेस पूरा ड्रेस। चलो 200 रुपए में लेने के लिए तैयार हो गया ड्रेस वगैरह। बाकी अभी प्लान बना रहे हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। मुझे तो नहीं चाहिए, अगर इनको चाहिएगा तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ, आपसे ही लेंगे अगर इनका प्लान बनेगा तो। मैं आपको व्यूज दिखा देता हूँ बैक साइड। मेरे की गाड़ी जा जाना यही है। कौन सी? अच्छा ये तो ये नजारा है यहाँ का। और ये दूर के जो पहाड़ ये दिखाई दे रहे हैं, ये जून के महीने में हम आपको ये दिखा रहे हैं। जून की आज 28 तारीख हो चुकी है, 28 जून को ये नज़ारा है, 28 जून 2021 का ये नज़ारा है। बर्फ़ कितनी है यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि यही बर्फ़ पिघल पिघल करके जो है नीचे की तरफ आ रही है। और टूरिस्ट हैं जितने भी यहाँ पर, सभी इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं ऊपर। और ये देख सकते हो आप ऊपर लोग क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं टूरिस्ट। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। और आपको बता दूँ थोड़ा सांस लेने में भी यहाँ पर जो है थोड़ी मुश्किल होती है, अगर आप थोड़ा भाग लेते हो या चल लेते हो तो यहाँ भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्सीजन की कमी है यहाँ भी, ऑक्सीजन फुल नहीं है क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है इसकी, काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई पर है हम यहाँ पर। चलो थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे, कुछ इन्जॉय करेंगे, जो भी जैसा भी वक्त होगा कुछ समय रुकेंगे यहाँ, फिर उसके बाद अपना वापस से जाएंगे मनाली की तरफ ही। और देखते हैं अभी क्या प्रोग्राम बनता है, आगे का जो भी विचार होगा आपके साथ शेयर जरूर किया जाएगा। बाकी सच में ये बहुत खूबसूरत है, मज़ा आ रहा है, हवा बहुत ठंडी है यहाँ, ठंड अब लगनी शुरू। शायद गाड़ी में थे इसलिए ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि सर्दी है यहाँ पर। यहाँ पर तापमान मुझे लगता है 0 डिग्री से नीचे होगा, 0 डिग्री तो कम से कम है, क्योंकि 0 डिग्री में ही बर्फ़ जमनी शुरू होती है। बाकी वाकई बहुत अच्छा नज़ारा है। तो यहाँ से ड्रेस बदलने के लिए ये रुके थे, कह रहे हैं हमें तो ड्रेस चाहिए, ठंड लग रही है। इनको सबसे ज़्यादा ठंड लग रही है, हमें ठंड नहीं लग रही लेकिन इनको ठंड लग रही थी। तो इसमें यहाँ पर ये पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम लिया है किराए पर 100 रुपये में, 100 रुपये में ड्रेस भी लिया है इसने, जूते भी लिए हैं। अगर आप नीचे से लेते हो तो आपको ज़्यादा महंगा मिलता है, यहाँ से इसने 100 रुपये का आपको मिल गया है। ये हमारे मोटा भाई ने भी यहाँ से लिया है, वो पहनने लग रहा है। और मैंने कुछ नहीं लिया है, मैं तो सिर्फ मैं अपने ये कैप है ये भी अपने साथ लेके आया था, और ग्लव्स है ये भी मैं अपने साथ लेके आया था। ये इसलिए लिया कि हाथ थोड़े सुन पड़ रहे थे, सर्दी थोड़ी सी है यहाँ पर, 0 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर, तो इसलिए मुझे ये पहनने पड़े। अब ये हाथ खोला दे, ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, ये बेचारे काँप रहे हैं। अगर मनाली से आप ये चीज़ें लेके चलते हो तो थोड़ा महंगी आपको मिलती है, जो आपके ड्राइवर हैं वो आपको जिद भी करेंगे कि आप यहाँ से ले लो, यहाँ से हम आपको सस्ती दिला देंगे, लेकिन वो होगा क्या, आपको और ज़्यादा महंगी मिलेगी। वहाँ से उनकी जो होती है अपनी पूरी उनके साथ सेटिंग होती है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत यार हर इंसान सोचता है कि मैं भी कमाऊं। तो
उनके लिए भी सोचना चाहिए, अगर वो ले भी रहे हैं तो फिर आपको वो चीज़ भी अच्छी प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी हाँ नज़ारा ये है, ऊपर जाएंगे ट्रैकिंग करने के लिए, इन्होंने कपड़े बदल लिए हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं ऊपर जाने के लिए। ठीक है जी, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। तो चलते हैं बर्फ़ के ऊपर ट्रैकिंग करने। मैंने कोई शूज़ वूज नहीं लिए हैं और ना ही कोई ऐसी चीज़ ली है, मैं अपने जो घर से शूज़ लेके आया था उन्हीं के साथ जो है ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ। ये मेरे शूज़ हैं, मैं दिखाता हूँ। अरे मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो वाकई स्लिप कर रहे हैं थोड़े थोड़े, तो थोड़ा ध्यान से हमें चढ़ना होगा, पैर जमा कर रखने होंगे। पैर अगर आप जमा कर रखते हो तो आप स्लिप नहीं होंगे, यहाँ पर थोड़ा स्लिप हो रहे हैं हम। बाकी जो भी है मज़ा बहुत आ रहा है, और बोलने के साथ साथ जो है मुझे यहाँ पर सांस चढ़ रहे हैं। और उस्मान भाई जो है वो ऊपर तक चले गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर तक चला गया है हमारे से पहले, और जिन्होंने शूज लिए थे वो अभी नीचे ही हैं, वो देखिए। और चढ़ चढ़ कर पहाड़ पर मैं आ चुका हूँ काफ़ी ऊंचाई पर, ये देखिए। अभी यहाँ पर जो है हमें पैर थोड़े जो हैं जमा कर रखने पड़ रहे हैं। यहाँ स्लिप हो रहे हैं पैर, लेकिन चलते हैं अभी। खैर जो भी है बहुत मज़ा आ रहा है कसम से, ये एडवेंचर है ये भी एक। आओ तो यहाँ पर ये मज़ा भी लो, ये भी ज़रूरी बनता है मज़ा लेना। और अब मैं आ गया हूँ थोड़ी सी सूखी ज़मीन पर, ये थोड़ी सूखी ज़मीन है जिस पे अभी मैं आ गया हूँ, शायद दिख रही होगी मुझे लगता है। और जो भी है इस तरह की ज़मीन है, और यहाँ बर्फ़ है, लेकिन यहाँ की बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है। लेकिन यहाँ तक आने में भी हमें फुल सांस चढ़ चुके हैं, और वो बैठ गए हैं वहीं पर। ये नज़ारा है, हाँ ये मैं शायद मैं अब दिख रहा हूँ, मैं पूरा दिखाई दे रहा हूँ मैं। ऊपर आने में जो है सांस चढ़ जाते हैं, हालात ख़राब हो जाती है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं और ऊपर की तरफ जाएंगे, वहाँ पर कोशिश करेंगे जहाँ तक भी हम जा सकते हैं। वो वहाँ पर ऊपर दिखाई दे रही है, उस जगह पर अभी जाने का विचार है, अभी देखते हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं, या यहीं पर ही। ऐसा कुछ है यहाँ का नज़ारा। ये जून में, जून की 28 तारीख हो चुकी है आज। चलते हैं देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे। ये देखिए ऊपर चढ़ चुके हैं, हालत बहुत बुरी हो चुकी है यहाँ तक चढ़ने में, काफ़ी ज़्यादा सांस चढ़ चुके हैं। थोड़ी देर और बैठ जाएंगे यहाँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।